केएल राहुल और आथिया शेट्टी ने एक ऑक्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने अपने जो केएल राहुल ने अपने क्रिकेट करियर से जुड़े हुई क्रिकेट किट से जुड़े हुए कुछ इक्विपमेंट्स नीलामी में उन्होंने बेचे। उससे उन्हें करीब 1,93,00,000 रुपए मिले और सबसे ज़्यादा जो पैसे की अर्निंग हुई इस ऑक्शन में वो केएल राहुल को ही हुई। हालांकि विराट कोहली की जर्सी भी सबसे महंगी बिकी। सबके बारे में आपको बताएंगे। विराट कोहली जर्सी जो उनकी थी उसे सबसे ज़्यादा रकम मिली। एक शुक्रवार को एक ऑक्शन आयोजित किया गया था जिसका नाम था क्रिकेट फॉर अ कॉज। विप्लव फाउंडेशन की ओर से इसे आयोजित किया गया था। इसमें MS धोनी, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, केएल राहुल समेत कई क्रिकेटर्स ने अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनका वो उपयोग करते थे मैदान पर, उन्हें उन्होंने नीलामी में रखा और उस पर बड़ी भारी रकम इन खिलाड़ियों को मिली है। सबसे ज़्यादा रकम मिली विराट कोहली की जर्सी को। विराट कोहली की जर्सी 40,00,000 रुपए में बिकी। इसके अलावा विराट कोहली के ग्लव्स जो थे वो 28,00,000 रुपए में ऑक्शन में उनको कीमत मिली और रोहित शर्मा के बैट को 24,00,000 रुपए की कीमत मिली और राहुल द्रविड़ के बैट को 11,00,000 रुपए की कीमत मिली रकम मिली और MS धोनी के बैट की जो कीमत लगाई गई वो 13,00,000 रुपए लगाई गई। इसके अलावा केएल राहुल की जर्सी थी उसे भी 11,00,000 रुपए की जो है वो रकम मिली और ये सब रकम विप्लव फाउंडेशन के ज़रिए उन बच्चों पर खर्च की जाएगी जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं, कमज़ोर हैं, या तो वो सुनने में असमर्थ हैं जिन्हें कम सुनाई देता है, या ऐसे बच्चे जो मेंटली कमज़ोर हैं जिनका मानसिक स्तर बहुत ही वो कमज़ोर हैं उस लिहाज से, तो ऐसे बच्चों पर ये रकम खर्च की जाएगी इन बच्चों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली की जर्सी 40,00,000 रुपए में बिकी है और सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी खिलाड़ी के किसी भी इक्विपमेंट को मिली है, किसी खिलाड़ी की किसी भी ज़रूरी चीज़ को अगर सबसे ज़्यादा रकम मिली है तो वो खिलाड़ी हैं विराट कोहली, जिनकी जर्सी को 40,00,000 रुपए मिले हैं।